धार्मिक नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में सोलर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी NTPC लिमिटेड कंपनी NGL को सौंपी गई है। वहीं जिसकी जानकारी देते हुए NTPC लिमिटेड कंपनी के डिप्टी मैनेजर प्रवीण कुमार ने बताया कि कुल 165 एकड़ की भूमि पर प्लांट लगा हुआ है। इस प्लांट को सरकार ने NGL को लीज पर दिया है। प्लांट 40 मेगावाट का है, जिसमें 40 मेगावाट पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पूरी सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि एक फेस कंप्लीट हुआ है और दूसरे फेस का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा, अभी मेरी सप्लाई दर्शन नगर पावर हाउस में दी जा रही है, इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में यहाँ से सप्लाई दी जा रही है और अति शीघ्र पूरी अयोध्या सोलर सिटी हो जाएगी। बता दें कि श्री राम भूमि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 50% तक कार्य पूरा हो गया है। ये सोलर प्लांट NTPC की सब्सिडियरी कंपनी NGEL है, उसके द्वारा लगाया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने NGEL को ये लैंड दी हुई थी यूपी नेडा के थ्रू। टोटल लैंड जो है वो 165 एकड़स की लैंड है, जिसमें हमारा यह प्लांट लग रहा है। ये लैंड हमको NGEL को सरकार ने लीज पे दी हुई है। ये प्लांट हमारा 40 मेगावाट्स का है और इसमें से हमारा 14 मेगावाट कमीशन्ड हो चुका है। अभी जो टोटल प्लांट हमारा जो 40 मेगावाट का है, जो पूरा कमीशन अगर हो जाता है, तो इसमें टोटल कवरेज जो हमारी हो जाएगी वो अराउंड 30% अयोध्या की जो एनर्जी डिमांड है वो पूरी कंप्लीट कर देंगे। बट चूंकि अभी हमारा आप देखिए तो 14 × 3 मतलब कि 1/3 ही हम बनाए हैं, तो अभी 10% जो अयोध्या की पावर डिमांड है वो उससे पूर्ति हो जाएगी पूरी। अच्छा, पूरा प्लांट हमारा टारगेट है ये 31 मार्च को पूरा कंप्लीट कर देने का। इसमें से आप देख रहे हैं कि हमारा एक फेज कंप्लीट हो चुका है, अब हम दूसरे फेज की ओर बढ़ रहे हैं। और ये हमारा पहला फेज कंप्लीट करने के लिए हमको 45 डेज से ज़्यादा का समय नहीं लगा है। इसमें हमने नवंबर 15 में काम स्टार्ट किया था और हमने 22 जनवरी श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हमने इसका प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट कर दिया था। यहाँ से सप्लाई हम दर्शन नगर पावर हाउस को, पावर सबस्टेशन को भेजते हैं। यहाँ से हमारी ट्रांसमिशन लाइन जाती है, वो 132 kV पे स्टेप अप होकर जा रही लाइन 5.5 किलोमीटर की है। वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम भेज रहे हैं इसको दर्शन नगर पावर स्टेशन को। दर्शन नगर पावर स्टेशन में UPPCL उसको टेकअप करता है बिजली को और वो अयोध्या सिटी को सप्लाई करता है। अब धूप निकलना, ये सोलर प्लेट्स जो होती हैं, इसका मेनली जो पावर जनरेशन का जो सिद्धांत होता है वो हमारे पावर उजाले से होता है। उजाले में जो फोटॉन्स होते हैं, उस फोटॉन्स से ही इस पावर प्लेट सोलर प्लेट्स पे जो आती हैं उससे सोलर प्लेट जनरेट करता है। तो अगर बारिश हो भी रही तो फिर भी उजाला थोड़ा बहुत रहेगा, तो पावर हाँ थोड़ी पावर कम बनने लगेगी लेकिन पावर बनती रहेगी। अंधेरे में पावर नहीं बनती क्योंकि उस समय इसको उजाला नहीं मिलता है। लेकिन अगर बादल हैं, पावर 14 मेगावाट का हमारा प्लांट है, तो हो सकता है कि 10 मेगावाट 8 मेगावाट बनेगा, लेकिन पावर थोड़ी बहुत बनती रहेगी। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सोलर प्लांट से ही पावर मेरी बन रही है, तो जैसे ही सोलर प्लांट हमारा कम हो जाता है, हमारे बाकी जो थर्मल प्लांट्स होते हैं, जो कोल फायर्ड होते हैं या फिर वो गैस फायर्ड होते हैं, हमारा उस प्लांट से सप्लाई वो वहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि जो डिमांड है वो पूरी बनी रहे, वो कभी इसमें कमी ना हो कि हमारी बिजली की कटौती वगैरह हो जाती है। क्या नाम है? प्रवीण कुमार। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।